हम तो बिल्कुल बिल दे देकर बिल्कुल तंग आ चुके हैं। मैंने तकरीबन ये 9 लाख रुपया बिल दिया 3 महीनों में, इस छोटे से केबल का 9 लाख रुपया बिल। पेट्रोल महंगा हो रहा है, रोटी सस्ती, एक रोटी तो सस्ती नहीं हो सकती ना, रोटी के साथ और जिस पे पकती है वो चीज़ें पहले महंगी होती रही हैं उसके साथ। आपका होस्ट मोहम्मद बास खान। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे की तीली में 500 रुपए की कमी कर दी गई है, जिसके बाद नान की कीमत 20 रुपए जबकि रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद की नान भाइयों ने हुकूमत के इस फैसले को अक्सर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे की बात वो नान और रोटी की कीमत कम नहीं कर सकती। इस हवाले से नान भाइयों की मजीद क्या तहफ्फुज़ात है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक आटे ही तो नहीं है ये, तो इस पे आटे की कीमत नहीं पूरी होती। मजदूर इस टाइम 1500, 1800, 2000 रुपये ब्याज लेते हैं, नहीं तो काम ही नहीं करते हैं। रोटी की कीमत तभी कम हो सकती है, गैस कम किया जाए, आटा और कम किया जाए, उसके बाद मजदूर की भी दिहाड़ी रेट पर लाया जाए ताकि उसका घर भी चल सके, हमारा भी चल सके, इधर दुकान भी चल सके। ऐसा तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल काम है। जब तक गैस का बिल कम नहीं होगा, इससे आटा 500 रुपया थैला सस्ता करने का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे गैस के बिल आ रहे हैं मैक्सिमम, ये छोटा सा तंदूर है मेरा, इसका बिल आ रहा है 3.5 लाख 4 लाख के लगभग पर मंथ। ठीक है, अभी हमारा ये बिल मेरे पास है, अभी मैं ठीक करा के ले आया हूँ उधर से दफ्तर से। अभी ये बिल आया मेरा 1,87,980 रुपये 15 दिन का, 15 या 16 दिन का मैक्सिमम होगा। तो इसमें हम 16 रुपये रोटी कैसे बेच सकते हैं? एक आटे की तो बात नहीं है ना, दो तीन बंदे हमारे साथ काम करते हैं, 3500 रुपये उन बंदों की दिहाड़ी बनती है। हम तो बिल्कुल बिल दे देकर बिल्कुल तंग आ चुके हैं। मैंने तकरीबन ये 9 लाख रुपये बिल दिया 3 महीनों में, इस छोटे से केबल का 9 लाख रुपये बिल, गैस का, अभी बिजली का भी बिल है। ठीक है, तो हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा गैस में रिलीफ दें। सर, कनेक्शन सवाल तो आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह कर दिया। कनेक्शन यह है कि रोटी पकती है गैस पर, जब आग जलेगी तो रोटी पकेगी ना। ठीक है, इसलिए हमारे तंदूर का जो गैस का बिल है वो इसलिए इतना आ रहा है ना कि हम तंदूर में गैस चला रहे हैं, लकड़ तो नहीं चला रहे हैं, हम गैस चलती है ये। ठीक है, लकड़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हम। बात ये है भाई कि एक आटा सस्ता करने से तो रोटी सस्ती नहीं हो सकती है। दूसरा, हमारे आल पाकिस्तान के सदर हैं शफीक रही साहब, उनको अरेस्ट किया हुआ है, उनको रिहा करवाया जाए और बैठ के बात की जाए, एक आटा सस्ता होने से रोटी सस्ती नहीं हो सकती है। गैस के बिल हैं, मजदूर की दिहाड़ी है, दुकानों के किराए हैं, बिजली कितनी महंगी, कल आपके सामने आप देखें पेट्रोल 4.5 रुपये पर लीटर पर महंगा कर दिया। जब पेट्रोल महंगा होता तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। रोटी एक सिर्फ आटे से नहीं बनती है, बाकी चीज़ें भी हैं। हम लोगों ने भी रोटी बेच के अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना है। रोटी कीमत तो सिर्फ एक आटे से ऊपर नीचे नहीं होती है, रोटी के लिए और भी चीज़ें चाहिए ना। गैस का बिल है, बिजली का बिल, दुकान का किराया, मजदूर की दिहाड़ी, ये सारी चीज़ें भी तो हमने इसी से पूरी करनी है। हुकूमत की तरफ से तो ऐलान हो रहे हैं मगर कायदा आवाम इसमें कोई अमल दरामद नहीं कर रही, वही पुराने रेट पे वही नान जो है 25 रुपये, रोटी 20 रुपये। हुकूमत को चाहिए कि अगर वो रेट में कमी कर रही है बाकायदा इसमें अमल दरामद करवाए और अपनी टीम को भेजे, पता करवाए, अगर नहीं मजीद कमी करे, कोई चलान वगैरह होगा तो इस पर अमल दरामद होगा। मजीद ऐसे ही अगर वो बैठ के अगर रेट में कमी करेगी तो कोई ऐसे अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई ऐलान नहीं कर रहे रोटी सस्ती होने का। बेचारे गरीब आदमी किधर जाएँ? इस पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जो गरीबों की हेल्प करे ना, कोई अमर दरामद कुछ कुछ भी नहीं हो रहा इधर, कोई आटा नहीं सस्ता हो रहा, कोई रोटी सस्ती नहीं हो रही, गरीब आदमी किधर जाए, किसको जाके कहे, कोई सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है रोटी इतने की जा रही है, आटा कितने का जा रहा है, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा कोई किसी पे। चलो गरीब आदमी किधर जाए, रोटी सस्ती मिली नहीं, 20-25 रुपये की रोटी है इधर, बंदा गरीब आदमी क्या करे।